तो हेलो दोस्तों, देखो राष्ट्रीय बागवानी के अंदर नई भर्ती का नोटिफिकेशन है जारी किया गया है, उसकी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। नोटिफिकेशन तो जारी हो चुका है राष्ट्रीय बागवानी जो बोर्ड है उनके द्वारा 44 पोस्टें रखी गई है। 44 पोस्टों के लिए आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। देखो इसमें जो फॉर्म होगी वो ऑनलाइन भरे जाएंगे, आपको ऑनलाइन आवेदन वो करना होगा। आपकी एप्लीकेशन फीस वो कितनी रखी गई है, आपकी एज लिमिट वो कितनी मांगी गई, उसकी पूरी जानकारी मैं आपको स्क्रीन के ऊपर बताने वाला हूँ, तो वीडियो का पूरा देखना। देखो फोरम है वो 16 दिसंबर से शुरू हो चुके हैं। फोरम भरने की लास्ट डेट है वो क्या रखी गई है उसकी जानकारी मैं आपको स्क्रीन के ऊपर बताऊंगा। और देखो फोरम तो 16 दिसंबर से शुरू हो चुके हैं। किसी भी राज्य का स्टूडेंट है, ऑल इंडिया के लिए भर्ती निकल के आई है। वैकेंसी डिटेल के बारे में आपको जानकारी बताने वाला हूँ, उसमें पद वो भी अलग अलग निकाले गए हैं, और आपका इस भर्ती के लिए सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा और एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो क्या रखी गई है उसकी जानकारी मैं आपको स्क्रीन के ऊपर बताता हूँ। अब चलते हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर। वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं किया है। तो दोस्तों आ चुके हैं बोर्ड की स्क्रीन के ऊपर। देखो राष्ट्रीय बागवानी के अंदर नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है इस बोर्ड के द्वारा। अगर आप इस भर्ती के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिए, आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। अब देखो हम बात करने वाले हैं इस भर्ती के लिए जो राष्ट्रीय बागवानी जो बोर्ड है, जो नेशनल होटल कल्चर है बोर्ड NHB उनके द्वारा इसका आधिकारिक नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है। इसमें जो पोस्ट रखी गई है, अलग अलग जो सेक्शन वाइज जो ऑफिसर होता है उनके पद वो निकाले गए हैं, जिसमें देखो डिप्टी डायरेक्टर होता है, सीनियर ऑफिसर होता है, अलग अलग इसमें पद वो रखे गए हैं। आगे देखो हम बात करने वाले इसमें जो टोटल वैकेंसी रखी गई है, कितनी इसमें पोस्टें रखी गई है, 44 पोस्टें रखी गई है टोटल इस राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के द्वारा। जॉब लोकेशन है ऑल इंडिया के लिए भर्ती निकल के आई है, सभी के लिए भर्ती निकल के आई। किसी भी राज्य का स्टूडेंट है वो फॉर्म फिल कर सकता है इस भर्ती के लिए। अब देखो इसमें आपके एग्ज़ाम है उसकी अपडेट्स होने हैं, अपडेट्स होने क्योंकि वहाँ पे जानकारी नहीं है आपका एग्ज़ाम है कितनी तारीख को लगेगा। आगे देखो हम बात करते हैं, देखो इसमें जो वैकेंसी है वो अलग अलग रखी गई, जिसमें देखो मैंने बताया था आपको जो डिप्टी जो डायरेक्टर होता है उनके लिए 19 पद निकाले गए हैं, अलग अलग वैकेंसी रखी गई, यानी अलग अलग पद वो निकाले गए हैं। ऑफिसर होता है सीनियर ऑफिसर, उनके लिए देखो 25 इसमें पद वो निकाले गए, यानी अलग अलग जो इसमें दो पद निकाले गए हैं, दो पद अनुसार इसमें वैकेंसी रखी गई है। आगे हम बात करते हैं, देखो इसमें आपकी जो फोरम है वो कब से स्टार्ट है। फोरम है 16 दिसंबर से शुरू हो चुके हैं, 16 दिसंबर 2023 से फोरम लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, 5 जनवरी 2024 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं राष्ट्रीय बागवानी भर्ती के लिए। आपका जो फॉर्म होगा आपको ऑनलाइन भरना है। अप्लाई करने की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, वहाँ से आप अप्लाई कर लेना। टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैंने लिंक दे दिए, तो वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं इस भर्ती के लिए। नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप किसी को भी ज्वाइन कर लेना। आगे देखो इसमें एप्लीकेशन फ़ीस वो कितनी रखी गई है। अब देखो एप्लीकेशन जनरल कैटेगरी हो गया, OBC कैटेगरी हो गया, AWS कैटेगरी हो गया, उनके लिए 1000 रुपये आवेदन फीस वो रखी गई है। बाकी एप्लीकेशन ST कैटेगरी, ST कैटेगरी जो भी SC ST कैटेगरी उनके लिए 500 रुपये आवेदन फीस वो रखी गई है। आपका जो फॉर्म है ऑनलाइन भरा जाएगा, और आपको जो पेमेंट होगा आपको ये भी ऑनलाइन करना है जो भी स्टूडेंट फॉर्म फिल करेगा। आगे इसमें देखो एज लिमिट की बात करते हैं, आयु सीमा वो क्या मांगी गई है इस भर्ती के लिए। नेशनल हॉर्टिकल्चर भर्ती 2023 के लिए सीनियर ऑफिसर के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं 18 से लेकर 30 वर्ष इसमें आयु सीमा रखी गई है, जबकि आप डिप्टी डायरेक्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं इस पद के लिए 18 से लेकर 40 वर्ष इसमें आयु सीमा रखी गई है। देखो इसमें अलग अलग पद है उसके अनुसार आपकी आयु सीमा रखी गई है, जिसमें देखो सीनियर जो ऑफिसर होता है उनके लिए 18 से लेकर 30 वर्ष रखी गई है, और डिप्टी डायरेक्टर हो गए उनके लिए 18 से लेकर 40 वर्ष इसमें आयु सीमा मांगी गई है। इस भर्ती में आयु की गणना होगी वो 5 जनवरी 2024 को आधार मानकर की जाएगी। इसके अलावा जो भी कैटेगरी है, OBC कैटेगरी हो गई, EWS कैटेगरी हो गई, ST कैटेगरी हो गई, SC कैटेगरी हो गई, आरक्षित वर्गों की जो कैटेगरी उनको सरकार के द्वारा 2 से 3 वर्ष के आपको छूट मिलेगी आयु सीमा के अंदर। आगे देखो हम बात करते हैं इसमें शैक्षणिक योग्यता की। अब देखो इसमें शैक्षणिक योग्यता किस पद के लिए क्या रखी गई है। जो डिप्टी डायरेक्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं 19 इसमें पद निकाले गए हैं। आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, जो भी स्टूडेंट है हॉर्टिकल्चर से वो आवेदन कर सकता है, एग्रीकल्चर से कर रखा है वो आवेदन कर सकता है, कोई टेक्नोलॉजी की आपके पास डिग्री है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स से आपके पास कोई डिग्री है वो आवेदन कर सकता है स्टूडेंट। और देखो आपके पास अगर फूड साइंस के लिए और +5 ईयर का आपको एक्सपीरियंस है तो वे आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आप इस सीनियर ऑफिसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं 25 इसमें पद वो निकाले गए हैं, इसमें भी सेम कैटेगरी है एग्रीकल्चर हो गया, जिसमें आपने ग्रेजुएशन कर रखा है वो आवेदन कर सकता है अगर आपके पास कोई डिग्री है। तो यहाँ पे आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन चेक कर लेना, अपनी किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं।
अब देखो इसमें आपका सिलेक्शन प्रोसेस वो किस प्रकार से होगा इस भर्ती के अंदर। राष्ट्रीय बागवानी जो बोर्ड की द्वारा भर्ती जारी की गई, सबसे पहले देखो आपका इसमें एग्ज़ाम लगेगा, CBT आपका एग्ज़ाम लगेगा। CBT एग्ज़ाम होने के बाद फिर आपका रिटर्न एग्ज़ाम होगा, फिर से आपका रिटर्न एग्ज़ाम होगा। उसके बाद में देखो आपका इंटरव्यू होगा, ओनली डिप्टी जो डायरेक्टर के लिए अप्लाई करेगा उसके लिए इंटरव्यू होगा। जो सेकंड जो पद आप देख रहे हैं वो जो सीनियर वाला, उस पद के लिए आपका इंटरव्यू नहीं होगा। फिर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन, ये रखा गया है इस भर्ती के लिए सिलेक्शन प्रोसेस। अब वो आपको वीडियो पसंद आया, जानकारी आपको समझ में आई, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है।